नमस्कार। सो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपीयू ने भी अपना राउंड वन का रिजल्ट निकाल दिया है, और ये आईपीयू यूनिवर्सिटी का होम पेज है जो जानते हैं। थोड़ा सा क्विकली बता दूं, जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, दिल्ली में हम जानते ही हैं एग्जैक्टली 7 सरकारी एमबीबीएस कॉलेज हैं, एम्स को छोड़ के, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ जाता है। और उन 7 में से 3 यूनिवर्सिटी, एक्चुअली वैसे 8 हैं, सॉरी, एक आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज भी है, जो भी मोटा मोटी अगेन सेंट्रल है। तो बेसिकली मौलाना आजाद, लेडी हार्डिंग, यूसीएमएस, ये 3 हो गए जो कि जिनकी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी देती है। और 4 जो फेमस हैं, वर्धमान महावीर, अटल बिहारी वाजपेयी, बाबा साहब अम्बेडकर, और नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिनकी डिग्री आईपी यूनिवर्सिटी देती है। और बाकी हर स्टेट की इतने हैं, 15% सीट ऑल इंडिया कोटा में जाती है, 85% एमसीसी वो स्टेट कोटा में आती है। अब इन 7 कॉलेज में एसीएमएस और एम्स दिल्ली को मैं नहीं गिन रहा, बिकॉज आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में भी दिल्ली कोटा 85% नहीं है वहां, तो बल्कि 80% से ऊपर तो आर्मी वालों के लिए सीट है। तो इट्स अगेन काइंड ऑफ ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जिसकी काउंसलिंग करवाता है आईपी। हाँ, सो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब उन 7 कॉलेज में से जो पहले मैंने बोले थे, 3 कॉलेज का, डीयू के 3 कॉलेज प्लस आईपी के 2 कॉलेज, विच इज अटल बिहारी वाजपेयी और वर्धमान महावीर, उनका 85% कोटा की काउंसलिंग भी एमसीसी कराती है। तो जब आप दिल्ली कोटा से बिलोंग करते हैं, मतलब आपने 11वीं 12वीं दिल्ली में करी थी, तो आप लोग वही फॉर्म भरते हैं, एमसीसी की चॉइस फिलिंग में आपको वो ऑप्शन नजर आई थी। तो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं, जो मैक्सिमम ऑप्शन नजर आती हैं वो दिल्ली कोटा की एक लड़की को आती हैं, क्योंकि बॉयज को वो गर्ल्स के 3 कॉलेज नहीं मिलते ना। तो जब हमारे, और एक्चुअली हमारे पास एक क्लाइंट थी जो दिल्ली कोटा की लड़की थी, तो कुछ 298 या 297 ऑप्शंस उनके लिए थी, क्योंकि दिल्ली कोटा की भी 3 और 2 5 आ जाती हैं। अब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कराती है सिर्फ 2 कॉलेजों की काउंसलिंग, वो है बाबा साहब अम्बेडकर और एनडीएमसी का 85% कोटा, अलॉन्ग विद आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। अब किस्मत की बात कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो दिल्ली के 7 नॉर्मल कॉलेजेस हैं, एम्स और एसीएमएस को छोड़ के, उन 7 की जब हम इंटरनल रैंक करते हैं, सो बाई चांस यही 2 कॉलेज सबसे नीचे आते हैं। मतलब जो सबका ड्रीम होता है, और लेडी हार्डिंग, मौलाना आजाद, उसके बाद वर्धमान महावीर, अटल बिहारी वाजपेयी, यूसीएमएस, और 6ठे नंबर पे बाबा साहब अम्बेडकर, और 7वें नंबर पे एनडीएमसी। इसमें कोई शक नहीं है इस ऑर्डर में। आप दिल्ली में कहीं भी रहते हो, दिल्ली वैसे भी मेट्रो से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है, तो कोई अगर आप या तो एनडीएमसी कॉलेज के सामने भी रहते हो तो भी आप उसको चॉइस में नहीं भरते। ये सब मैंने वो बैकग्राउंड क्यों दी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए सुनना, खासकर जिनका आईपी के राउंड वन में अलॉटमेंट नहीं हुआ। सो आप ये मान के चलिए, मैं आपको अपने पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस बताऊं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जब राउंड वन में अलॉटमेंट होती है एसीएमएस को छोड़ के, तो एक्चुअल एडमिशन शायद प्रैक्टिकली 0 होता है। जी हाँ, प्रैक्टिकली 0। पूरे इंडिया की किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में शायद इतना बुरा हाल नहीं होता होगा जितना यहाँ पर होता है, जबकि यहाँ फ्री एग्जिट होता है तो भी। क्यों? क्योंकि आईपी का, इन 2 कॉलेज का राउंड वन का रिजल्ट आने से पहले एमसीसी का रिजल्ट आ चुका होता है। और जैसा मैंने कहा कि आईपी का 2 कॉलेज के लिए वही फॉर्म भरेंगे जो दिल्ली कोटा वाले हैं, और उन सभी के नंबर 650, 660, 640 होंगे, और उनको ऑलरेडी दिल्ली के अंदर ही सीट मिल चुकी होगी। दिल्ली के अंदर नहीं भी मिल रही होगी तो उन्होंने फॉर्म तो भरा ही हुआ है। तो जितने भी है दिल्ली के जो टॉपर्स हो गए, 625 नंबर से ऊपर मान के चलिए आप, जनरल कैटेगरी वाले, एग्जाम्पल ले लें हम, तो उन सबको अगर ऑल इंडिया कोटा मिल गया तो बात, अगर आप ऑल इंडिया कोटा वाले आपके नंबर हैं, समझ लीजिए 614, तो आपको दिल्ली में ना डीयू मिला होगा, ना एलएचएमसी मिला होगा, ना मौलाना आजाद, ना आईपी का मिलेगा। तो वो जो कॉमन सेट है, कॉमन सेट ऑफ बच्चे हैं जिन्होंने कि मौलाना आजाद, यूसीएमएस, लेडी हार्डिंग, अटल बिहारी वाजपेयी और अम्बेडकर भरा था, उन्हीं बच्चों ने ये दोनों भी भरे थे। अब इन 2 कॉलेज में टोटल सीटें समझ लीजिए 85% मिला के 200 होंगी टोटल, और वहां पर थी 500, तो वो जो 500 में से टॉपर के 200 बच्चे हैं उन्हीं को ये कॉलेज एलोकेट हो जाते हैं, एडमिशन एक भी नहीं लेता। इन्होंने फिलहाल कट ऑफ रिलीज नहीं करी है, पर उस कट ऑफ को देख के बिल्कुल मत घबराइएगा। मैं हमेशा आईपी स्टेट कोटा के लोगों को ये समझाता हूँ कि आईपी में तो असली एडमिशन राउंड 2 में ही होता है, और सच बताऊँ तो वो भी ढंग से नहीं होता, क्योंकि तो वही दिल्ली के बच्चे जब राउंड 1 या राउंड 2 में ले भी लेते हैं सीट, फिर भी मजे मजे में, क्योंकि आईपी में एक ही बार आपने पैसे दे रखे हैं ऑलरेडी 2200 रुपये, आप दोबारा आईपी का राउंड 2 भी भर देते हो। और इस तरह स्पेशली लास्ट ईयर
आईपी में एक स्पेशल राउंड का नाम आया था जो इंडिया में कहीं नहीं सुनते आप, एक्सटेंडेड राउंड टू। वो इसलिए करना पड़ा था कि अगर हम नॉर्मल स्पीड से चलते तो मॉप अप तो फिर 15 दिन बाद आता। तो लोगों ने जाके आईपी में चिल्लाए, द्वारका में चिल्लाए, और फिर द्वारका वालों ने काम किया था, ये मेरे सामने की बात है, कि जितने भी उनके राउंड टू में अलॉटेड बच्चे थे उन सबको फोन किए गए, उनसे पूछा गया कि क्या आप असली में इंटरेस्टेड हैं या आपका ऑलरेडी डीयू में हो चुका है, और हमें सच सच बताइए नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो तकरीबन 100% बच्चे ये ऐसे थे जिनका ऑलरेडी एडमिशन जो बाकी 5 कॉलेज हो गए उसमें हो चुका था, और उनका अम्बेडकर या एनडीएमसी में सीट लेने का कोई विचार नहीं था। उसके बाद दोबारा मेरिट लिस्ट बनाई गई उन सब बच्चों का नाम हटा के, और उस मेरिट लिस्ट का नाम रखा गया था भाई एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट राउंड टू, और सारे एडमिशन फिर उसमें हुए। और यही इस साल भी होगा पक्का, क्योंकि प्रोसेस सही में चलती है, जैसा मैंने कहा बच्चे कॉमन है, बल्कि लास्ट में तो काफी टाइम था, इस बार तो उतना कॉमन चल रहा है कि बच्चों की भी कोई गलती नहीं। बच्चे बोलेंगे जी हमने भर दिया राउंड टू आईपी का, तो राउंड वन की मैं तो ऑलरेडी आपको राउंड टू की बात बता रहा हूँ। सो राउंड वन की कट ऑफ जब भी रिलीज होगी और यहाँ पर आ जाएगी इस बटन के अंदर, घबराइएगा मत देख के। फिलहाल जिसको सीटें नहीं मिली है बिल्कुल मत घबराइए, आप ये मान के चलिए कि बस ये जो मैंने आपको तब से लॉजिक समझाया उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। राउंड टू में ही, या शायद एक्सटेंडेड राउंड टू जब आईपी का होता है उसी में ही आपको सीट मिलेगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।